क्या है इधर? लवली, आई एम सो हैप्पी वी जॉइन 4 मिनट्स बिफोर. So I'm so happy Karthik is so actively working with you, Neetu. Sorry ma'am, now who are co-host nahi the pehle, now you can unmute yourself. I've not unmuted? Yeah, I'm unmuted. Hi Karthik. Hi ma'am, hi, how are you? Hello Neetu, I'm so happy that Karthik is so actively engaged with you in artificial intelligence. Yes ma'am, we could not have a better trainer than him for the first batch. Yes, yes. We're really fortunate to have him. Yes, yes. We'll be more confident with the response of the students. Good to and see. Because ये मैं इसलिए भी जरूरी है first batch to you know to have the right trainer because then on the basis of the response we will plan our future courses. अगर हमें लगता है बच्चों को aptitude और interest इसमें है और they show the right aptitude for such courses then we will be more encouraged to have these courses for our students. बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा कोर्सेज है. और इसमें ये देखो आशा खातून दिख रही है मुझे, सुशील आर्या भी दिख रहा है, दीपिका दिख रही है, स्यूट शेख दिख रहे हैं, सब जने दिख रहे हैं, सब सीखेंगे, नसरीन दिख रही है. सो इससे क्या हो रहा है, सबको सबको ये इंटरेस्ट जिसका होगा वो आएगा, नहीं तो इंटरेस्ट आ भी आएगा. लेकिन ना भी हो लेकिन समझ तो बढ़ गई. यू नीड टू इंक्रीज एट लीस्ट योर इंटेलिजेंस इज इंक्रीज. व्हाट इज हैपनिंग इन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, क्योंकि कई चीजें पॉप अप हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही क्यों हो रहा है, लेकिन यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. जी मैम, और मैम ये सब बच्चे एक स्क्रीनिंग टेस्ट देके एनरोल हुए हैं. और फिर वी सिलेक्टेड 80 स्टूडेंट्स. इसमें गांव के बच्चे भी हैं, रूरल के भी हैं और एबीएस के. वेरी नाइस. सो अ टीम ऑफ अबाउट 80 स्टूडेंट्स. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो गो अहेड, शुरू करो. मैं नीतू जी, मैं वो कर दूं फेसबुक पे कर देता हूं तब तक. विकास या आदित्य घोष? आदित्य इज देयर. आदित्य इज देयर. आदित्य मैंने आपको भी कोहोस्ट बना दिया है. विकास भी आ गए हैं, विकास को भी मैंने कोहोस्ट बना दिया है. तो आदित्य विकास अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं फेसबुक पे लाइव कर रहा हूँ. इन नमस्कार, आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं. आज हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी फाउंडर और मेडिका नवज्योति इंडिया फाउंडेशन. सॉरी सॉरी सॉरी, अभी लाइव कर रहा हूँ, अगर आप एक मिनट और दे दें. सो सॉरी, वो लाइव हो जाएगा तो अभी 4:28 भी हुए टेक्निकली, तो वी हैव 2 मिनट्स. ठीक है. All our members are students too. You can see more. You can see more of them here. You can see more? See. Yeah, good. You can see more of them. Oh, ye saare jane, Arshad bhi, kitne saare, Anurag, bahut achhe. Ma'am, ye bachche apna gurukul bhi lagana shuru kar diye inhone. Tumne to तैयार कर दिया. Already 70 students हैं जो गुरुकुल हमने फिर से start कर दिया online, remote. गुरुकुल भी चला रहे हैं आपके बच्चे. शाबाश, अब तो हमारा गुरुकुल वाकई में गुरुकुल बन गया. एक मैम नेशनल लेवल का सेमिनार करेंगे गुरुकुल का, अर्ली लीडरशिप का. हाँ. जिसमें हम बाकी स्कूल्स के बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे. सो आवर गुरुकुल मॉडल आल्सो गोज पैन इंडिया. इसको 10 साल से ज्यादा हो गया होगा. 10 साल से ज्यादा हो गया. 2013. हाँ, 7 years हो गए. 7 years. ठीक है, now let's go ahead. चलो बच्चों के साथ बात करते हैं. कितना अच्छा लग रहा है, इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे बड़े हो गए. ये बड़े हो गए, बड़े. विकास, आदित्य, आप मुझे सुन पा रहे हो? विकास या आदित्य? विकास, आदित्य, अगर सुन पा रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा. बिकॉज इट्स ऑलरेडी टाइम. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विकास, आदित्य. ठीक है नीतू जी, लेट्स स्टार्ट. ओके, तो आप सभी को मेरा नमस्कार. आज हमारे लिए बहुत ही उत्साह और खुशी का दिन है कि एक एक नए कोर्स का
लॉन्च कर रहे हैं, वो भी इतने मुश्किल और चैलेंजिंग टाइम पे, हमारी फाउंडर मेंबर, हमारे फाउंडर और हमारी मेंटर डॉक्टर किरण केती मैम आज हमारे साथ हैं, जो इस कोर्स को लॉन्च करने के लिए अपना कीमती समय हमें दिया और आप जो से इंटरेक्ट करेंगी. मैम का हमेशा से एक विजन रहा है और हमेशा से कंसर्न रहता है कि हम अपने बच्चों को वो सारी ट्रेनिंग दें, वो सारी सुविधाएं दें जो ना केवल उनके अभी अच्छे एक सकारात्मक जीवन की का निर्माण करें, मगर आने वाले टाइम पे भी उनको ऐसी जॉब्स में हेल्प करें जो कि फ्यूचरिस्टिक है. तो ऐसे कोर्सेज, ऐसी ट्रेनिंग्स मैम हमेशा हमसे पूछती है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि ये बच्चे आने वाले टाइम पे भी आत्मनिर्भर बने, ये बच्चे आने वाले टाइम पे पीछे ना रह जाए. इनको ऐसे कोर्सेज तो दे रहे हो जो रेलिवेंट है, जो जो मार्केट की डिमांड में है. सो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम एक नए कोर्स का लॉन्च कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी हमारी मैम और प्रेरणा स्रोत डॉक्टर किरण बेदी जी का. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय हमारे को दिया. आज हमारे बच्चे बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है आज आपसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. हमारे लिए ये भी बहुत गौरव की बात है कि जो हमारे इस कोर्स के पहले बैच के ट्रेनर हैं कार्तिक शर्मा, इनसे बेटर ट्रेनर हमें शायद नहीं मिल सकता था इस कोर्स को रन करने सब के लिए. ताली बजाओ इनके लिए, ताली बजाओ सब जन. हम म्यूट पे हैं, बताइए इमेजिन. कोई बात नहीं, हाथ से करो, हाथ से. तो कार्तिक आईआईटी रुड़की के पास आउट है और इन्होंने एक सीबीएसई के लिए हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक बुक लिखी है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए. ये फाउंडर भी है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस के बोर्ड में है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर है आईमा के, यंग लीडर्स काउंसिल के. सो इतना सारा एक्सपीरियंस और इतना बिजी होने के बावजूद कार्तिक ने बोला कि जब हमने ये बातें डिस्कस करी कि हम ऐसा कुछ अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे हैं, तो इमीडिएटली बोला कि ये कोर्स मैं खुद करवाऊंगा बच्चों को, मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा. इनफैक्ट मैंने बोला कि क्या आप ट्रेनर सजेस्ट कर सकते हैं, सो ही इमीडिएटली सेड व्हाई कांट आई डू इट, आई विल डू इट फॉर चिल्ड्रन. सो थैंक यू कार्तिक, वेलकम टू नवज्योति फैमिली. मैं वेलकम करती हूँ हमारे सारे टीम मेंबर्स का, हमारे सारे स्टूडेंट्स का जो आज हमारे साथ जुड़े हैं. हमारे साथ आज मैम ये बच्चे आईवीएफ रूरल प्रोजेक्ट और भवाना प्रोजेक्ट के बच्चे हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम देके इस कोर्स में एनरोल किया है. सो थैंक यू बच्चों, आपने इंटरेस्ट दिखाया और मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से मन लगा के ये कोर्स सीखेंगे. सो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम से, मैम प्लीज आप अपने ब्लेसिंग्स और मैसेजेस मैसेज बच्चों को दीजिए और बच्चों के पास कुछ छोटे मोटे सवाल हैं जो आज आपसे करना चाहते हैं. सो मैम प्लीज ओवर टू यू. मैं कार्तिक का और नीतू का, दोनों का, सुशील का, सभी मेरे साथियों का, नवज्योति के, इंडिया विजन फाउंडेशन के, सभी बच्चों के, फैकल्टी के, सबका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने मुझे बुलाया और मैं आपके बीच में फिर से शामिल हो सकी. कितना समय हम लोगों ने बिताया इकट्ठा, इकट्ठे ग्रो किए हम लोग, देखते देखते बच्चे बड़े हो गए हमारे सामने. मुझे बड़ी खुशी हो रही है और आज एक चुनौती का सामना कर रहे हैं. मैं कार्तिक का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमारे साथ हाथ बढ़ाया, हमारे साथ हमें सहयोग दिया, जिसकी वजह से हमारी ताकत और बढ़ी. हम छोटे से गुरुकुल से शुरू हुए थे और आज गुरुकुल भी आईटी गुरुकुल बनने जा रहा है. मुझे कितनी खुशी है कि हमारा हर बच्चा इस अपना गुरुकुल का, आईटी का, गुरुकुल का खुद एक व्यवसाय बना सकता है और अपना खुद साइट खोल के एक अपना प्रोफेशन और आईटी को स्प्रेड कर सकता है. बच्चों इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, आप देखोगे इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये ऑलरेडी हमारे हाथ में है. अगर आप देखें, अगर आप एसएमएस करें तो एकदम डिक्शनरी में अगर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो वो क्या होता है, ऑटो करेक्ट करता है, वो कई बार करेक्ट करता है. तो है क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. डिक्शनरी खोलते हो तो डिक्शनरी वो एकदम समझ आता है. आप 3-4 वर्ड यूज करते हो वो सारा वर्ड बना देता है, वो आपकी सोच के साथ जुड़ा. आप अरे हैरान होते हो, अरे इसको कैसे पता चल गया कि मैं ये वर्ड ढूंढ रहा हूं. लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तो एक बुनियादी है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन अब बिजनेस में, स्पेस में, इलेक्ट्रिसिटी में, गवर्नेंस में, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है और आती ही जाएगी। इनफैक्ट रोबोट्स जो है बहुत दूर की बात क्या है, इनफैक्ट उसने किसने बोला, बिल गेट्स ने, कि रोबोट्स के ऊपर टैक्स लगाओ। उन्होंने कहा रोबोट्स पर टैक्स लगाओ क्योंकि वो हमारे सारे जॉब्स को ले जाएंगे, इनको टैक्स करो क्योंकि ये खतरनाक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स तक जो पहुंच गई, छोटी छोटी माइनर करेक्शन, जैसे आपका कंप्यूटर खोलो तो श्री आवाज करता है, आस्क मी, आस्क श्री है कौन, आपके फोन पे श्री है कौन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपसे पूछता है, आगे सोचता है। तो आज हमने हम आज उस ओर कदम उठा रहे हैं कि हम लोग अब नई स्किल्स, क्योंकि ये समय आ गया इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो मैं कार्तिक को रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको ये इंट्रोड्यूस करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ताकि आप अपना अपने काम में समझें और इसका और माहिर बनाएं। मैं आपको बता दूं, सारी टेक्नोलॉजी की आज अगर कोई इनोवेशन आ रही है तो वो यंग माइंड से आ रही है, हमारे से नहीं आ रही, आपसे आ रही है। आप यंग माइंड्स हैं क्योंकि आप खेलते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, आपके पास समय भी है, आपके लिए एक रिक्रिएशन भी है, आपके लिए एक हॉबी भी है। तो अगर आप मिलके काम करेंगे, जिसके पास कंप्यूटर है, जिसके पास नहीं है, जिसके पास स्मार्टफोन है, किसी के पास नहीं है, अपनी दोस्ती बनाओ और मिलके क्रिएटिविटी करो। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अब आप टाइम अभी अकेले काम करने का भी नहीं है, मिलके काम करने का भी है, सीखने का भी है और आगे सिखाने का भी है, क्योंकि जो सीखेंगे आगे सिखाएंगे आपकी वो चीज की रिविजन हो जाएगी। हमेशा गुरुकुल है क्या, गुरुकुल यही तो था, है ना, गुरुकुल यही तो था कि मैंने सीखा मैंने आगे सिखाना है। अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी गुरुकुल बनाएं, मैंने सीखा मैं आगे सिखाऊं। तो जो आपको आज कार्तिक सर सिखाएंगे, इमीडिएटली अपने फ्रेंड्स को आज अपना लेसन, पहला लेसन सिखाने लग जाना। गुरुकुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गुरुकुल आज से शुरू। जो कार्तिक अंकल आपको सिखाए आगे आप सिखा दो। और फिर ये कार्तिक ये कहेगी, अरे नवज्योति और इंडिया विजन फाउंडेशन के बच्चे इतने लायक कैसे हैं, हम तो कहते थे शुरू से लायक है, आप पहचानते नहीं थे, तो आज हमने आप सामने, बिल्कुल सामने पहचाने गए और दिख रहे, और आप तो एंट्रेंस टेस्ट पास करके, हो सकता है मैं आपके साथ एंट्रेंस टेस्ट करती तो मैं फेल हो जाती, मैं फेल हो जाती, क्योंकि आप ऐसी चीजों में हम बड़ों से आगे हैं, क्योंकि आपकी जनरेशन तो आप तो पैदा ही हुए एक स्मार्टफोन के साथ, स्मार्टफोन मम्मी डैडी के हाथ में, पेरेंट्स के हाथ में, नेबर्स के हाथ में, टीचर्स के हाथ में, ये सब ऑटोमेटिकली इससे आप ग्रो करें। तो मैं कार्तिक जी का धन्यवाद, कार्तिक थैंक यू सो मच, अब छोड़ना नहीं हमारा हाथ, हमने आपको नहीं छोड़ना, आपने हमें नहीं छोड़ना, आप सीरीज लगाते रहो, आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो, आप नीति आयोग में हो, आप तो ऑलरेडी इतनी छोटी उम्र में टॉप पे पहुंच गए हो। मैंने कहा तो है कि ये यंगस्टर्स ही है, इतने यंग यही चीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, जिसकी वजह से आज, और ये यूथ से लिंक्ड है, सीनियर से नहीं लिंक्ड है, ये बड़ों को हमसे एक्सपीरियंस मिलेगा लेकिन टेक्नोलॉजी आपको यूथ से मिलेगी। इसलिए हम टेक्नोलॉजी, मैं बहुत खुश हूँ कि कार्तिक ने खुद ऑफर किया और वॉलंटियर किया कि मैं आपके साथ हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, दिस ये स्पिरिट होती है बच्चों। तो आओ मिलके इनसे सीखें और आगे चलाएं। So, Anito, you have some questions? I'm happy to answer. Questions, poochho. Mere paas 15 minutes aur hai aapke liye. Haan ji, ma'am. So, humare saath Sabia hai. Sabia ek... Yeah, ma'am. Sabia, aapko main unmute kar rahi hoon. Aap apna question aapko... badi ho gayi. Isse, dekho, kitni badi ho gayi wo. Ujmana ja. Hii? Tere baal chote ho? Yes, ma'am. Tune baal itne chote kara liye? Acha, chalo, bolo. इतने लाइक बच्चे हैं, वेरी ब्राइट चिल्ड्रन। हाँ बोलो आशा, नीतू। हाँ जी मैम। साबिया ने बोला, साबिया बोलो। ये साबिया, मेरा माय नेम इज साबिया, आई बोलो साबिया, नो प्रॉब्लम, बोलो बोलो बच्चे। माय नेम इज साबिया, आई आप अपनी जुबान में बोलो, मैं आपकी जुबान में बोल रही हूँ, आप अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी जुबान में बोलो। हाँ मैं, मेरा नाम साबिया है, मैं नवज्योति इंडिया फाउंडेशन में पढ़ती हूँ, मैं दसवीं क्लास की स्टूडेंट हूँ, और
मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पूछो बच्चे, पूछो। मैम आप टेक्नोलॉजी के विषय में क्या जानते हो, और इस समय हमारे लिए टेक्नोलॉजी जानना आवश्यक क्यों? बेटे अभी जब जिस तरीके का समय बदल रहा है स्पीड से, और इस वक्त हर चीज फिजिकल रिलेशनशिप से नहीं है, दूर होते हुए हमको सीखना पड़ेगा, लेकिन दूर होते हुए हम लोगों को ऐसे ऐसे टूल्स लेने हैं अपने हाथ में जिससे हमारी पढ़ाई जारी रखे, हम लोग तैयार होते रहे खुलने के समय के लिए। अभी थोड़ा सिस्टम बंद है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली पूरा खुल गया, टेक्नोलॉजिकली ज्यादा खुल गया और फिजिकली बंद हो गया, तो इसलिए हमको अब आगे तैयार रहना है और ज्यादा ज्यादा सीखना है, ताकि हम लोग एक बटन से दुनिया के साथ जुड़ सके। मेरी बात समझे सबिया? आपको और डिटेल्स आपको कार्तिक सर सिखाएंगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो मैं दिल्ली नहीं आई, आप दिल्ली में हो, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं ये, और अगर आज ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम इतने खर्चा लाखों रुपए खर्चा करते तो आ भी नहीं पाते और मिल भी नहीं पाते। अब सारा कुछ मिल रहे हैं ना, एक दूसरे बातचीत कर रहे हैं ना, मैं आपको देख भी पा रही हूँ। इसलिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चमत्कार, इतना शुक्र करो कि ऐसे माहौल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिससे हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, और इसको हमने और इस्तेमाल करना है पढ़ाई में, काम में, स्किल लर्निंग में, टेक्नोलॉजी और सीखते जाएंगे, ताकि ये हमारे हमारे लिए एक स्किल बन जाए और एक कमाने का भी एक जरिया बन जाए, है ना सर साबिया? हाँ आगे। ओके सो और कोई सवाल पूछना चाहता है कोई बच्चा? अपना हैंड रेज कर सकते हैं, सवाल पूछना है अपना, जिसने क्वेश्चन पूछना है यू कैन रेज योर हैंड, तो मैडम आपके पास आएंगे और फिर आप अनम्यूट करेंगे। अपना सवाल आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो अगर किसी का कोई सवाल है। अलीजा साइड पूछना चाह रही है, अलीजा। ओके अलीजा, अलीजा अलीजा हाँ अलीजा बोलो। मैम टेक्नोलॉजी का बुरा प्रभाव भी तो पड़ सकता है। हर चीज का दो पर होती है, हम बुरे को नकार देंगे अच्छे वाले को ले लेंगे, ये तो चॉइस हमारे हाथ में है, हम डर के थोड़ी बैठ जाएंगे, हम गलत को रिजेक्ट कर देंगे अच्छी चीज को अपना लेंगे, हर चीज का अपना फायदा होता है। ममता भी पूछ रही थी कुछ, ममता? हाँ ममता अपने आप को अनम्यूट करके बोलो। अनम्यूट नहीं किया, अनम्यूट करो अपने माइक को, अनम्यूट करो। हाँ अब बोलो। फोन यूज कर रहे हो 24 घंटे, टेक्नोलॉजी है ये, टेक्नोलॉजी तो है। जब आप फोन भी इस्तेमाल कर रहे हो ये टेक्नोलॉजी तो है, आप टेलीविजन देख रहे हो टेक्नोलॉजी तो है, आप फोन पे सुन रहे हो आवाज टेक्नोलॉजी तो है ना, ये टेक्नोलॉजी तो है। अगला क्वेश्चन, अगला हाथ उठाओ जिससे पूछना है। So, Karthik, you got lovely students. ये बहुत हंगरी हैं आपसे सीखने के लिए। So, maybe... जी, I can see it. I think राशिद पूछना चाह रहे हैं या अभय, दो लोग पूछ रहे थे। कहाँ है? और कौन पूछना चाहता है? राशिद अंदर। हेलो। अभय 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 पूछो। गुड इवनिंग मैम। यस मैम, जैसे टेक्नोलॉजी हमारी आगे आगे बढ़ रही है उसके हिसाब से हमारे हमारे वातावरण से भी बुरा पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? वातावरण में क्या हो रहा है? बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उससे। अरे वो बुरे प्रभाव
का तो जब तक आप उस पर बटन नहीं दबाओ बुरा प्रभाव कुछ नहीं है। ये बटन आपके हाथ में, ये बटन आपके हाथ में, मैं किधर लेके जाऊं ये माउस को, ये मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ में, ये कुंजी मेरे हाथ में, ये की है, ये माउस है, बटन है, ये मेरे हाथ में है, मैं कहां दबाऊं। मैं गलत जगह भी जा सकती हूँ सही जगह भी, लेकिन मुझे सही जगह ले जाना है, यही तो शिक्षा है। Why is this coming into their, Neetu? Why is this coming again and again into their, the technology could be destructive? Who's been telling them? मैं हो सकता है क्योंकि वो excessive phones और उनकी जो बार बार बात होती है उनके घर पर बोलती है सारा दिन games खेलते रहते हैं phone पे, so maybe because of that, so एक बार वो orientation जरूर हम लोग अपने session की starting and maybe some families may be using some wrong things in the house. In the house, they may be using pornography or blue films. Right. So they may be seeing their elders do that. That is where they must be seeing. So you need to tell them the difference. I'm so glad this has been detected. Because in our feedback of lockdown, people have been complaining that the father, children have been complaining, what do we do? Father is watching blue films. ये आई है बात, तो इसलिए इन बच्चों को अलर्ट करना बहुत जरूरी है। आई थिंक जो इंट्रोडक्टरी सेशन होगा उसमें हम लोग स्टार्ट ही यहां से करेंगे पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स, आपको बैलेंस। हां आई थिंक कार्तिक को पता चल गया ये जरूरत क्या है। कार्तिक वाज प्लानिंग टू डू, आई थिंक ही कैन बिगिन विद दिस आंसर, द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द, इट्स लाइक डूइंग अ स्वॉट एनालिसिस, व्हाट इज आईटी स्वॉट, अब आईटी की स्ट्रेंथ क्या है, थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट? सो आई थिंक वी नीड टू डू अ स्वॉट फॉर द आईटी फॉर देम, इट्स वेरी एविडेंट। हाँ ओके, सो राशिद, राशिद कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी राशिद, राशिद यस मैम, गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम राशिद अनवर फ्रॉम पूरन चंद विद्या निकेतन कानपुर, इट्स अ स्कूल ऑफ दैनिक जागरण। आई हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड व्हाट आई फील इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउडेज, बट वी नीड टू काउंसिल द पेरेंट्स ऑल्सो बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ जनरेशन गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स, देर इज लॉट ऑफ जनरेशन गैप, देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस और डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टीचर parents and students. I think we all three have to come to a common platform. We need to understand each other's feelings, ma'am. इसका आंसर मेरे पास, मेरे पास यही है राशिद के लिए, आगे से बच्चे को बोलना अपनी माँ या बाप को लेकर आए, अपनी मम्मी या डैडी को साथ में बैठाए, अपने साथ बैठाए, अब कोई बड़े बहन भाई को भी बैठाए ताकि फैमिली में ये बात जाए। Right, right, ma'am. We are doing the counseling of parents also. And we will do take care of your क्योंकि आप यू आर एट होम, घर में हैं, तो घर में कोई ना कोई बहन भाई, कोई ना कोई बड़ा आपके साथ बैठ सकता है, पेरेंट तो बैठ ही सकते हैं, तो उनको भी इनवाइट करो, हर हर एक को पेरेंट के साथ। ये कितना अच्छा सजेशन है, आप सोच ही नहीं सकते थे, एक आपकी वजह से मिला। आप अभी भी मम्मी डैडी कोई पास में है तो उनको बोलो पैसे में बांट जाओ, और अगर नहीं है तो अगली बारी, अगली बारी आईटी का कोर्स कोई ना कोई बैठो, ऑलरेडी वो माजिया ढूंढने लगी, खातून ढूंढने लगी कि कोई बैठ जाए। सो हमें कोई ना कोई बहन भाई को बुलाओ, बड़े को बुलाओ ताकि वो भी सीखे, तो जाके बच्ची या ये बेटा ही ना बोले, वो भी बोले, है ना, क्योंकि वो बड़े लोग नहीं समझ रहे इसकी वैल्यू, बड़े लोग इसको अब्यूज कर रहे हैं, दिस अ फैक्ट, बिकॉज पोर्नोग्राफी इज द मैक्सिमम विजिटेड साइट्स टुडे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो पोर्नोग्राफी को यूज करता है उसका पूरा रिकॉर्ड होता है और वह पकड़ा जा सकता है। आपको पता है जो गंदी साइट्स को विजिट करता है उसका रिकॉर्ड रहता है और पुलिस, साइबर क्राइम की पुलिस आपको पकड़ सकती है, उनका रिकॉर्ड रहता है, उनका रिकॉर्ड, जो साइट्स हम वॉच करते हैं वह रिकॉर्ड रहता है। मैं नेटफ्लिक्स के ऊपर फिल्म देखती हूँ, नेटफ्लिक्स में पूरा नेटफ्लिक्स को मालूम है मैं कौन सी फिल्म देखती हूँ, और मुझे वो नेटफ्लिक्स जो है मेरी इंटेलिजेंस से मुझे कहता है गुड फॉर यू, गुड फॉर यू, और अगर मैं गंदी साइट्स करूं वहां पर ऐसी साइट्स भी हैं तो वो भी मुझे कह देगा कि वो, उसको एग्जैक्टली पता है मैं कौन सी फिल्म देखती हूं। और नेटफ्लिक्स ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मुझे रिकमेंड भी करता है नेटफ्लिक्स
कि दिस इज गुड फॉर यू, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्रीज हिस्टोरिकल ज्यादा देखती हूँ, वो नेटफ्लिक्स वाले मुझे हमेशा नहीं कहते थे नई डॉक्यूमेंट्री आई देख लो, वो कौन से मॉनिटर करता है। सिर्फ ऐसे ही जो गंदी चीजें हम लोग फोन पे देखते हैं, फोन की इंटेलिजेंस को मालूम है हम फोन कहाँ कहाँ कौन सी वेबसाइट्स को खोलते हैं, कौन सी फिल्म्स को देखते हैं, वो आपको ये भी बता देगा कि कौन सी वेबसाइट आपने विजिट की कब कब। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इन अ वे इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल पुलिस, जो देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं नेट पे। इसलिए पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि जब माँ बाप ये गलत बात कर रहे हैं, कोई गंदी फिल्म में देख रहे हैं, तो नेट को मालूम है कि ये कौन सी फिल्म में देख रहा है। और अगर कोई बात कभी गलती हुई और ऐसी फिल्म के ऊपर कोई एक्शन हुआ तो वो जरूर ट्रेस हो जाएंगे, आपको ये बताएंगे कार्तिक कैसे ट्रेस हो जाएंगे। ओके ऑलराइट, थैंक यू मैम, एंड आई विश योर फाउंडेशन एंड इवन कार्तिक सर आल्सो फॉर हिज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट। थैंक यू रशीद, थैंक यू मैम, बच्चों को मेरा पूरा प्यार आपको, क्योंकि मेरा 5 बजे एक और सेशन है, तो मैं नीतू को बोलूंगी और कार्तिक से और अपने आर्य से इजाजत लूंगी और अपने सारे बच्चों से सुशील से आपसे इजाजत लूंगी और फिर मिलूंगी आपको ऐसे अगले कोर्स में फिर से, ठीक है। और अगले कोर्स में मुझे आप बताना आपने सीखा क्या। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, गो अहेड। आई रिक्वेस्ट कार्तिक मैम को एक फॉर्मल वोट ऑफ हैंड्स दे दें एंड देन यू कैन टेक ओवर द सेशन एंड इंट्रोड्यूस व्हाट आर एंड यू कैरी ऑन। या श्योर, ओके कार्तिक, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर लेइंग डाउन दिस कॉन्टेक्स्ट। आई थिंक आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैम ने जो रेज किया है कि टेक्नोलॉजी, जैसे जब हम छोटे होते थे मैम मुझे याद है कि केबल टीवी के बारे में सेम चीज बोली जाती थी कि केबल टीवी बैन और बूट, फिर इंटरनेट पे बात आई और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं हिंदी में, मैंने भी अभी सीखा है रिसेंटली, तो इसके भी प्रोज एंड कॉन्स आपके हाथ में। जैसे मैम बता रही थी कि आप जो भी वॉच कर रहे हैं वो आईपी के थ्रू आपका सब रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास आ रहा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे बाहर के देशों में, चाइना में अभी सोशल डिस्टेंसिंग आ गया है राइट, और फेस मास्क पहनना जरूरी है। अब इसकी मॉनिटरिंग पुलिस नहीं कर सकती बिकॉज पुलिस टू सिटीजन रेशियो इंडिया जैसे देश में आपको पता है बहुत ही स्क्यूड है, बहुत ही ज्यादा है, मतलब एक पुलिस वाले को हजारों लोगों को देखना है, तो ये इम्पॉसिबल है। इन चीजों में टेक्नोलॉजी के हेल्प, अब उन्होंने सड़क पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिए जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बेडेड है, तो वो देख के ही पता लगा लेगा कि कार्तिक सड़क पे जा रहा है उसने मास्क पहना है कि नहीं पहना है। नहीं पहना है तो वो उस पर जूम इन करके उसकी फोटो देख लेगा, फोटो से उसको मेरी सारी डिटेल्स पता है कि मेरा आधार कार्ड नंबर क्या है, मेरा घर का पता क्या है, और मेरे घर पे चलान आ जाएगा कि आप इस जैसे गाड़ियों का चलान आने लगा है, वैसे आपको इसके लिए भी आ जाएगा कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करी, आपने मास्क नहीं फॉलो किया। तो इस तरीके से आज के समय जो इतना पेंडेमिक चल रहा है उसमें भी एआई ऐसी टेक्नोलॉजीज हेल्प कर सकती हैं। तो बेनिफिट्स तो इस तरीके से बहुत है बट नेगेटिविटी भी है। जैसे अब अगर मान लो ये पूरा सिस्टम किसी के हाथ में आ जाए, कार्तिक आई गॉट टू गो, हाँ जी हाँ, यू कैरी ऑन, ये सब मैं डिटेल में शेयर करूंगा। सो मैम थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस बैकग्राउंड विद अस व्हिच विल हेल्प अस बिल्ड ऑन, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विद यू, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू अगेन हैविंग यू when we finish this course to tell you how much they all learn. When we do the next course, let me know. Next installment, okay? Right. Get more and more in the first installment and then go for second. अब जो second installment के लिए भी pre-test pass करेंगे तो आएंगे. जी. जी मैम. Okay. Right. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. On behalf of everyone, thank you so much for your time. Thank you. Thank you.